वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को नमस्ते। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पोर्क का फ्राई। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो लिए है, इसको अभी काट के धो के हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको बनाना बहुत इजी है, आप सिंपली ऐसे घर पे बना के खा सकते हो और ये टेस्टी भी बहुत बनते हैं। तो गाइस आप लोग देखिए मैं कैसे इसको बनाती हूँ। जब भी आप इसको बनाते हो ना, इसका जो मीट और ऑयल का पार्ट है वो थोड़ा बड़ा बड़ा करके काटना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अपने आप फिर साइज पे छोटा हो जाएगा। तो हम इसको एकदम सिंपल करके बनाएंगे, ना ही इसमें कुछ डालेंगे हम मसाला। हमारे लैंग्वेज पे इसको बोलते हैं सुगर राहुला, मतलब पोर्क फ्राई। इसको फ्राई करने के लिए आपको बस चाहिए ऑनियन, अदरक, लहसुन का पेस्ट और नमक और हल्दी। कोई कोई यहाँ पे जीरा पाउडर, मिर्ची भी डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे कि आज मेरे साथ मेरे छोटे भैया भी हैं तो वो भी हमारे साथ डिनर करेगा, तो इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली। वैसे भी मिर्ची डालने के बाद टेस्ट उतना अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने पोर्क को धो के नमक हल्दी देकर उसको बॉयल के लिए बता दूंगी। इसको एटलीस्ट आप 45 मिनट तक आप बॉयल कीजिए, ताकि जो इसका मीट है वो अच्छे से पके और जब फ्राई करेंगे हम जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे ये बॉयल हो रहा है, तो मैंने भैया को बोला मेरा वीडियो बना दो, तो ये वीडियो बना रहा है। ये जो पोर्क है ये पूरी तरीके से पक चुका है, अभी मैं उसको करती हूँ फ्राई। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल डाली। ये बॉयल होने के बाद आप उसको कम तेल में फ्राई करें, क्योंकि ये जो पोर्क है अपने आप ही तेल निकलना शुरू करेगा। इसको तब तक पकाना है जब इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसलिए जब रेड कलर का आएगा तो इस पर हम डालेंगे मसाला। इस पर आप गैस का मीडियम फ्लेम पे रख के उसको बनाएं। तो देखिए यहाँ पे ब्राउन हो चुका है हमारा ये, इसको थोड़ा सा और टाइम बना लेते हैं, फिर हम करेंगे मसाला ऐड। और एक चीज़ गाइस, आप लोग ध्यान रखिए इसको ज़्यादा फ्राई मत कर देना, क्योंकि बाद में हार्ट हो जाएगा तो आप खा नहीं पाओगे। तो हमने यहाँ पे काटा हुआ प्याज ऐड कर लिया, फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट देकर उसको हम करेंगे मिक्स और थोड़ा सा नमक देंगे। पहले हमने बॉईल करते वक्त दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा देंगे। तो इसके साथ मैंने 2 छोटे छोटे मिर्ची भी ऐड कर ली, क्योंकि भैया बोल रहे थे इसलिए मैंने दिया। इसको तब तक ऐसे बनाते रहना है जब तक इसका मसाला अच्छे से पक ना जाए। तो आप इसको चावल के साथ खाओ, बहुत टेस्टी होता है। तो बन के रेडी हो गया हमारा ये पोर्क फ्राई। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू।